साहब ने बोला कि भाई ये टेंडर लग रहा है। अच्छा टेंडर लग रहा है, तीन साल आज तीन साल हो गए हैं, वो टेंडर आज तक नहीं लगा और वो डीपीआर आज तक सैंक्शन हो गया। सड़क पर इकट्ठा हुए ये लोग और किया गया चक्का जाम। वहाँ पे ये रोड बना देते हैं और उससे गांव से जो आके हमारे गांव से जो आके रोड है वहाँ पे वो बना देते हैं, वो बीच का जो रोड है वहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये तस्वीरें डलौजी की गांधी चौक की हैं, जहां पर सड़क की खस्ता हाल से गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गांधी चौक कोलड़ी सड़क मार्ग के खोल पुकर से करेलड़ू हिस्से की दयनीय हालत के लिए कई बार शासन प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से गुहार लगाई, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं और कोल तार पूरी तरह उखड़ चुकी है, जिसके चलते आज उन्होंने गांधी चौक करेलड़ू रोड पर चक्का जाम कर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते आज उन्होंने गांधी चौक करेलणू रोड पर चक्का जाम कर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। चक्का जाम के चलते आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त सड़क के मरम्मत कार्य के लिए कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई, यहाँ तक कि बीती 25 जून को इस संबंध में SDM डलौजी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर एक सप्ताह के भीतर उक्त मार्ग की सुध न ली गई तो ग्रामीण चक्का जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई न होने के चलते आज क्षेत्रवासियों को चक्का जाम कर अपना रोष व्यक्त करना पड़ा। उधर तहसीलदार रमेश चौहान, लोक निर्माण विभाग के SDO अंकुश रनोत्रा सहित SHO जगवीर सिंह ने धरनास्थल पर पहुंचकर मामले को संभालने की कोशिश की। विभाग की ओर से लोगों को लिखित आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जबकि बरसात के बाद सड़क नालियों और पैबर ब्लॉक का शेष कार्य पूरा करवा दिया जाएगा। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने करीब सवा घंटे के बाद अपना चक्का जाम समाप्त कर दिया। पंजाब केसरी TV के लिए शमशेर महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।